हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा दो केमिकल कंपनियों के बारे में, दो सरकारी केमिकल कंपनियां, NFL नेशनल फर्टिलाइजर कंपनी एंड RCF राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स। स्टॉक्स में देखा जाए तो दोनों में आज के सेशन में धमाका होता हुआ दिखा है। एक 13% ऊपर है और एक 8% ऊपर बंद होता हुआ दिखा है। अगर आपके पास भी इन स्टॉक्स में पोजीशन है तो क्या होनी चाहिए आपकी आगे की रणनीति, स्ट्रेटजी, उस पर बात करेंगे। और अगर आपने अभी तक ये शेयर नहीं खरीदे तो क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, जैसा कि पूरे केमिकल सेक्टर में कहीं ना कहीं एक तेजी का रुझान देखने को मिल रहा है। आपने देखा SRF अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास आता हुआ दिख रहा है, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है आई थिंक SRF, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट RCF के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं आपके साथ RCF के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो बताने वाली बात जो है वो है इसके वॉल्यूम्स देखोगे आप तो मतलब 65 मिलियन वॉल्यूम्स आज के सेशन में ट्रेड होते हुए दिखे हैं। एवरेज की बात करें तो 3.5 मिलियन का एवरेज वॉल्यूम है, यानी ऑलमोस्ट 20 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं आज के सेशन में। 20 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, 13% स्टॉक तेज है। अब देखने वाली बात क्या है कि इसमें डिलीवरी कितनी हुई है। अब डिलीवरी और अगर शानदार हुई है तो स्टॉक्स में बड़ी तेजी आने की पूरी संभावना है। स्टॉक के बारे में बात करें तो लाइफ टाइम हाई, ऑल टाइम हाई लगा, 52 वीक हाई लगाता हुआ दिख रहा है अपने आज के सेशन में। 52 वीक हाई की बात करूँ तो 93.70 का जो आज ही लगा है। 52 वीक लो की बात करूँ तो 66 का है स्टॉक का। एक साल में स्टॉक ने आपको ठीक ठाक रिटर्न बना के दिया, अगर एक साल का देखोगे तो केवल आपको 15-16% ही रिटर्न दिखाएगा वैसे तो। बट हाँ, अगर आप इसका 6 महीने का चार्ट खोल के देखो, 3 महीने का, तो स्टॉक में आपको देखने को मिलेगा कि 74 रुपीज़ से 93 आया स्टॉक। और आपने देखा है कि मार्केट की करेक्शन में ये शेयर आपको 70 रुपये के करीब देखने को मिल रहा था, यहाँ से 26-27% का रिटर्न दे चुका है, 52 वीक आ चुका है। देखिए, मार्केट अपनी कहीं ना कहीं वहीं की वहीं पड़ी है, लेकिन जो स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, जो मजबूत थे, वो कहीं ना कहीं लीड करते हुए दिख रहे हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट कह सकते हो आप एक तरीके से। अगर इसके वैल्यूएशन की बात करूँ तो 8 के PE पे ये शेयर ट्रेड करता है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी की बात करूँ तो, और कंपनी का डिविडेंड देखोगे आप तो करीब 9% का डिविडेंड यील्ड है। तो 9% की डिविडेंड यील्ड के साथ ये शेयर कामकाज करता हुआ दिख रहा है आपको। इसके चार्ट पे देखूँ तो 1 महीने में तो शानदार चार्ट देखने को मिलेगा मुझे, 3 महीने की देखूँ तो शानदार स्पाइक के साथ, 6 महीने में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है 85 रुपीज़ के ऊपर। कहां तक जा सकता है ये शेयर, देखिए डबल डिजिट में स्टॉक ऑलरेडी है, 3 डिजिट में आने के लिए इसको कहीं ना कहीं हर्डल फेस हो सकता है। 100 रुपये के ऊपर निकलते ही 110 से 115 का टारगेट हो सकता है, बट 100 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल हो जाएगा मुझे लगता है, वहां पे दिक्कत आएगी स्टॉक में। और स्टॉक का मैं चार्ट देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि ऐसे फिर ऐसे मतलब जिगजैग नहीं, बिल्कुल अप्स एंड डाउन, एक रेंज थी वो रेंज ब्रेक हुई है। हालांकि कहां तक जाना चाहिए, मुझे लगता है 100 रुपये पे अटक जाएगा स्टॉक। तो आप अगर इसमें फ्रेश तेजी बनाना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से कल जिस हिसाब से वॉल्यूम्स आए हैं, आज तेजी थी, तो कल शायद गैप अप ओपन मिल जाए आपको, या फिर हो सकता है कि नीचे मिले फिर ऊपर आ जाए स्टॉक। तो कल जो भी तेजी बनेगी मुझे लगता है वो प्रॉफिट बुक की आपके लिए एक तरीके से मौका होगा, वहां प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। और 100 रुपये के ऊपर अगर ये शेयर निकल रहा है तो दोबारा बाय बनाए 98 रुपीज़ के SL से। बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। हालांकि ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है बट 100 रुपये का हर्डल मुझे स्टॉक में लग रहा है कहीं ना कहीं। और आपको पता है सरकारी कंपनियां जो कहीं ना कहीं अटक जाती हैं तो वही होता हुआ दिख सकता है आपको। अब बात करेंगे NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर स्टॉक के बारे में। सबसे पहले तो आपको बता दूं, 2 हफ्ते पहले यस सिक्योरिटीज की तरफ से टारगेट आए थे स्टॉक पे 59 रुपीज़ के, और आज स्टॉक का हाई लगाया 56 के अराउंड, 55.85 का। स्टॉक के 52 वीक हाई की बात करूँ तो 73.70 का है, 52 वीक लो की बात करूँ तो 41 रुपीज़ का है। स्टॉक ऊपर में काफ़ी बढ़िया करेक्ट हो चुका है ऑलरेडी देखा जाए ऊपर से, तो 20% अभी भी करेक्ट है। और नीचे से देखा जाए तो 1 हफ्ते में स्टॉक ने आपको करीब करीब 50 रुपये के लेवल पे था स्टॉक, 28 मार्च यानी परसों के टाइम में 50 रुपये पे था ये शेयर, वहाँ से 10% भाग चुका है आपका। 1 महीने पहले देखोगे मार्केट गिरा में 45 रुपीज़ था, वहाँ से 20% का रिटर्न दे चुका है आप सभी को। आगे आपको क्या करना चाहिए वो जानते हैं। देखिए 26,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, आपको मैंने मार्केट कैप बता दिया, PE दिख नहीं रहा है अभी यहाँ पे वैल्यूएशन हिसाब से। तो 52 वीक हाई मैंने आपको बता ही दिया है। अगर इसका चार्ट अगर मैं खोल के देखूँ तो स्टॉक में इसमें मुझे जान दिख रही है। देखिए RCF तो ऑलरेडी हाई पे आ चुका है और 100 रुपये पे रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे, लेकिन NFL में मुझे दिख रहा है कि स्टॉक ने नीचे से 42 रुपये से तेजी दिखाई और उन्होंने 50, 52, 53 पे कंसोलिडेट करा और नीचे फिर से 50 रुपये पे बेस बना के भागा स्टॉक।
₹55। अब अगला टारगेट इस स्टॉक का कहीं ना कहीं आपको ₹60 के पास का आता हुआ दिख रहा है मुझे, तो पहला 58 और दूसरा ₹60 के टारगेट के लिए बाय की रिकमेंडेशन होगी मेरा। आपका SL जो है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए नीचे में, ₹50 का बन रहा है वो काफी नीचे हो जाएगा, तो आप इसमें 52.50 का रख सकते हैं SL, ₹52.50 का। अगर इसकी बात करें लॉन्ग टर्म के व्यू की बात करें तो स्टॉक में देखा जाए तो लोअर लो ही बनते जा रहे हैं कंटिन्यू, तो ऊपर में कहीं ना कहीं ₹60 पे हर्डल दिखेगा। अगर ₹60 क्रॉस करता है तो फिर अलग बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, जो इसका 52 भी खाई है वो टेस्ट करता हुआ स्टॉक आपको दिख सकता है। तो बट आप भी अभी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ₹58 पे ही आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह, क्योंकि ₹60 का इंतजार ना करें। ₹60 पे रिसेंट जो लास्ट हाई लगा था वो 60 का था, और वो अगर ब्रेक करता है तो तेजी बनेगी, उससे पहले ये स्टॉक वहां से दोबारा घूम सकता है नीचे की तरफ, क्योंकि लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है चार्ट में, जो कहीं ना कहीं एक हर्डल दिखाएगा ₹60 पे। तो ये मेरी वीडियो RCF और NFL पे, होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।